जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे आज हम। लेक्चर नंबर 3 हमारा इंट्रोडक्शन होगा एनवायरनमेंट के बारे में एंड एनवायरमेंटल साइंस या स्टडीज के बारे में, यानी कि एनवायरनमेंट क्या है और एनवायरमेंटल के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है आपके पास एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट बेसिकली दो वर्ड्स का जो है ना वो सम है, जिसमें सबसे पहला वर्ड आ रहा है एनवायर्ड। Environ means surrounding. Environ का मतलब क्या होता है? Surrounding. And meant means action. यानी कि surrounding का action. The meaning of word environment. तो इस पूरे word environment का क्या meaning बनेगा? The is the surrounding of an organism. किसी भी organism का जो है वो surrounding. इसकी जो proper definition है environment की वो लिखी हुई है यहाँ पे। It denotes the total sum of physical, chemical and biological factors that directly influence the survival, growth, development and reproduction of living organism. तो बेसिकली जो आपके पास environment है वो सम है physical चीज़ों का, chemical things का, biological factors का। ठीक है, physical भी आ जाते हैं, chemical भी आ जाते हैं और biological factors भी आ जाते हैं। that directly influence the survival, growth, development and reproduction of living organism, जिनका directly असर होता है सर्वाइवल के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो बेसिकली एनवायरनमेंट के अंदर हम फिजिकली चीज़ों को भी देखेंगे, फिजिकली फैक्टर्स भी आएंगे, केमिकल फैक्टर्स भी आएंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आएंगे और इन तीनों फैक्टर्स का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हमारे पास जो यहाँ पर इन्वायरमेंट हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला आ रहा है बायोटिक पार्ट और सेकेंड पे आ रहा है एबायोटिक पार्ट। बायोटिक पार्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? इट इज मेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे, विच इंक्लूड्स, जिसके अंदर इंक्लूड्स होंगे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। जबकि एबायोटिक पार्ट जो होगा आल्सो कॉल्ड फिजिकल इन्वायरमेंट, इसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। इट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, विच इंक्लूड, जिसमें लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सॉइल है और एयर है। ये तमाम चीजें जो है आपके पास एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा स्केच बनाया मैंने कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट बेसिकली इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। एनवायरनमेंट है फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। ठीक है, फिर फिजिकल के आगे टाइप्स हैं जिसमें लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है और एटमोस्फेयर है, जबकि बायोलॉजिकल के भी पार्ट्स हैं जिसमें फ्लोरा, फौना और माइक्रोब है, जबकि कल्चरल के भी तीन पार्ट्स हैं जिसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइंस की डेफिनेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द मैन विद हिज इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो बेसिकली इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं, ये स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है अर्थ की, जमीन की, हवा की, पानी की, तमाम जिंदा चीज़ों की एंड द मैन और उस इंसान की, जिसका इम्पैक्ट किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। इट कैन बी डिफाइन एज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द प्रोटेक्शंस एंड इन्हेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर। तो इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं उन प्रिंसिपल्स को जो के प्रोटेक्ट करते हैं या इन्हेंस करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, वो पब्लिक के हेल्थ भी हो सकती है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए भी हो सकता है। तो मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर हम उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स प्लान करते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स होते हैं, प्लान्स करते हैं, डिजाइंस करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड ऑपरेट सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली इस इंजीनियरिंग के अंदर हवा को कैसे कंट्रोल करना है, प्लांट्स को कैसे कंट्रोल करना है, प्लांट्स को जब आपने पानी लगाना है तो उसको किन इक्विपमेंट्स के जरिए से लगाना है, तो ये तमाम चीज़ें इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इट कैन बी डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ स्टडी कंसर्न विद द इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस एंड द मिनिमाइजेशन ऑफ देयर इम्पैक्ट थ्रू चेंज इन द सोसाइटी, जिसको हम सोशल साइंस का भी नाम देते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपने इन्वायरमेंट को ही स्टडी करना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैं। तो इसके अंदर आपने
उन चीज़ों को भी स्टडी करना जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं और उनको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं उन डिस्टर्बेंस को, तो इसको आप नाम दे देते हैं सोशल साइंसेस का। उसके बाद यहाँ पर नीचे इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ दिया हुआ है, यानी कि अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडी को डिस्कस करते हैं इन डिटेल तो इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सोर्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, इसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फूड चेन्स एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट हाउ द इन्वायरमेंट इज यूज फॉर मेकिंग अ लिविंग एंड फॉर प्रमोटिंग अ मटीरियल कल्चर। तो मतलब इसमें यही इसके बेनिफिट्स दिए गए हैं कि जो इन्वायरमेंटल स्टडी है इसकी मदद से आप किन किन चीज़ों को किन किन चीज़ों में आप हेल्प ले सकते हैं या कौन सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। इट हेल्प्स इन अप्रिशिएटिंग एंड एंजॉइंग नेचर एंड सोसाइटी। इट जनरेट्स कंसर्न्स फॉर चेंजिंग इन्वायरमेंट इन आर सिस्टमैटिक मैनर्स फॉर द फ्यूचर एज वेल एज इमीडिएट वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इट डायरेक्ट्स अटेंशन टूवर्ड्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड थ्रूज लाइट एंड सोल्यूशन। तो इस इन्वायरमेंटल स्टाइल की जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आप इसकी मदद से सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना इकोलॉजिकल जो आपकी बैलेंस जो फूड चेन है उसके अंदर आप इकोलॉजिकल बैलेंस लेके आ सकते हैं, उसके अलावा इन्वायरमेंट को आप किस तरीके से बेटर बना सकते हैं ये सारा कुछ इसी के अंदर आ जाता है। सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे इसमें दिया हुआ गोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि इसके गोल्स क्या हैं। टू डिवेलप अ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट इज अवेयर ऑफ एंड कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट एज अ होल एंड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट एंड कमिटेड टू वर्क इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली टूवर्ड सोल्यूशन ऑफ करंट प्रॉब्लम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जो गोल्स हैं वो यही हैं कि आपने डिवेलप करना है वर्ल्ड की पॉपुलेशन को और इसको आपने अवेयर करना है, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप इंडिविजुअली सॉल्व कर लें या कलेक्टिवली सॉल्व कर लें, तो ये सारा कुछ इसके गोल्स के अंदर आता है। या फ्यूचर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनकी रोकथाम उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसकी जो सारी प्लानिंग है वो इसके इन्वायरमेंटल एजुकेशन के गोल्स के अंदर जो है वो शामिल है। उसके बाद कंपोनेंट से यहाँ पर इन्वायरमेंट के जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट आ रहा है आपके पास, मेन कंपोनेंट है दैट इज एटमॉस्फेयर। द थिक गैशियस कवर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एक तो ये थिक होता है, गैशियस कवर होता है किस चीज़ का, ऑफ एयर का, जो कि जमीन के इर्द गिर्द फैला हुआ है। इट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ बाय रिमूविंग हार्मफुल कॉस्मिक एंड अल्ट्रावायलेट जिसको यूवी रेज कहते हैं थ्रू एब्जॉर्प्शन, मेंटेनिंग हीट बैलेंस, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली एटमोसफेयर क्या होता है, एटमोसफेयर बेसिकली एक थिक गैशियस कवर होता है जो कि जमीन के इर्द गिर्द फैला हुआ है, और इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस या हार्मफुल कॉस्मिक रेस को से आपको प्रोटेक्शन देता है। इट इज़ द गैशियस इनवेलप सराउंडिंग द अर्थ एंड एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर, ये 500 किलोमीटर अबव फैला हुआ है जमीन की सतह से। दी कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर, ये टेबल बनाया हुआ है, ये बेसिक टेबल है कि जो एटमोसफेयर है उसके अंदर नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9% है, वाटर वेपर्स 0.1 से 5% है, ठीक है, उसके बाद आर्गन है 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर जो है और इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिसमें हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, ये भी सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है एटमोसफेयर की। द एटमोसफेयर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू फोर मेजर जोन्स जिसमें ट्रोपोस्फेयर आ रही है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, और इसकी ये कैरेक्टराइज एक टेबल के जरिए से समझाई गई है, ठीक है। नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर्स दिए गए हैं, 0, -80, -40, फिर अगेन 0, 40, 80, इस तरफ राइट साइड की तरफ मूव करें तो पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ मूव करें तो नेगेटिव टेम्परेचर्स हैं, जबकि ये आपके पास हाइट दी हुई है 0, 20, 40, 60, 80, ये किलोमीटर्स के हिसाब से 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, तो ये सारी डिटेल एक ग्राफ के अंदर दी गई है। इनकी मजीद जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रोपोस्फेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर को, मेसोस्फेयर को और थर्मोस्फेयर को, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।